मैक्रोनी को कभी इस तरीके से भी यूज़ करें और इस तरीके से भी बना के देखें, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा और आपको बहुत पसंद आएगा। लुक से भी ज़्यादा टेस्ट पे बात, टेस्ट है बहुत कमाल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर खान और आपको वेलकम कहती हूँ अपने चैनल स्माइल विद अस रेसिपीज़ पे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे और जैसा कि समर्स हैं तो समर्स में तो बस किचन किचन ही चलता है क्योंकि बच्चों को हॉलीडेज़ होती हैं और सब कुछ ना कुछ अच्छा खाने के लिए डिमांड करते हैं। तो ये भी बच्चों के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी हो सकती है जिसमें वो पिज़्ज़ा फ्लेवर भी ले सकते हैं, फ्राइज़ का फ्लेवर भी ले सकते हैं और मैक्रोनी का। तो ये है जी 3-in-1। सबसे पहले मैंने इसके फ्राइज़ जो हैं वो कटिंग किया और जस्ट पैन को थोड़े से ऑयल से ग्रीस किया और इसमें मैंने पोटैटोज जो हैं कटिंग करके डाल दिए। इसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करूँगी जस्ट फॉर टेस्ट और मैं इसको कुक कर लूँगी जब तक ये थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। जब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे ज़रूर बताएं कि आप मुझसे किस शहर से कनेक्टेड हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो रहे हैं, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो चुका है और मैं थोड़ा सा और कुक करूँगी। इतना कुक करूँगी कि जो मैंने सॉल्ट ऐड किया है उसका फ्लेवर भी इसके अंदर चला जाए और फ्राइज़ जो हैं एक टेस्टफुल और कुक हो सकें, इतने मैं इसको करूँगी जिससे इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा। मैं इसको निकाल लूँगी इसमें से। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया और तकरीबन मैं इसको 1 से 2 सेकंड और कुक करूँगी और मैं इसको निकाल के एक साइड पे रख दूँगी और इसके बाद मैं अब सेकंड स्टेप को फॉलो करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, उससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको रिसीव होगी। ये हैं जी कैरेट्स जो कि बिल्कुल हाफ कप है और इनके क्यूब्स मैंने कटिंग कर लिया और मैं उसी पैन में इनको थोड़ा सा कुक करूँगी और इसके साथ साथ मैं इसमें जो वेजेज़ ऐड करना चाहती हूँ वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी इसी कंडीशन पर। तकरीबन 1 मिनट के बाद जब ये 1 मिनट कुक हो जाएगी तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि इन वेजेज़ को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो मैं इसमें ऐड कर रही है जी बंद गोभी और प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च। बंद गोभी और शिमला मिर्च मैं इसमें फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप फ्रेश यूज़ करें या फ्रोज़न। तो इसको मैं थोड़ा सा कुक करूँगी, 2 मिनट मैं इसको इसके साथ कुक करूँगी और इसमें मैं फ्लेवर्स ऐड करूँगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर आपको और बहुत सी डिलीशियस रेसिपीज़ मिलेंगी तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आप कोई न्यू वीडियो चाहते हैं जो मैं आपसे शेयर करूं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। 1 से 2 मिनट इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करने के बाद अब मैं इसमें फ़्लेवर ऐड करूंगी। फ़्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करने वाली हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी रेड चिली ऐड करने वाली हूँ और इसमें मैं सॉस ऐड करूंगी। आप रेड चिली की जगह पे ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें चिली सॉस ऐड करना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी। इस जगह पर आपको सिरका भी ऐड करना है, मैं इसमें सिरका स्किप कर रही हूँ और सिरके से भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है लेकिन मैं आज इसमें ऐड नहीं करूंगी। इसको मैं अच्छे से बिल्कुल, ये देखें, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए स्टीम पे रख रही हूँ और इसके बाद मैंने मैक्रोनी को पानी के साथ पानी में बॉईल कर लिया था नमक और ऑयल के साथ। ये देखें, 1 कप जो है मैक्रोनी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट मैं कौन सा स्टेप करने वाली हूँ। उससे आपके जो बच्चे हैं घर के या बड़े हैं उन सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और फ्राइज़ का, मैक्रोनी का और पिज़्ज़ा फ्लेवर इसका आएगा और ये आपके लिए बहुत ही यूनिक सी और चेंज सी रेसिपी हो जाएगी। आपने ये ट्राई ज़रूर करनी है, मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इस वक्त भी ये बहुत डिलीशियस है लेकिन जो हम इसमें चेंज करने वाले हैं उसके बाद तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। इवन ये आप किसी को सर्व भी कर सकते हैं और जिसको आप सर्व करेंगे उसको ये बहुत पसंद आएगी। ये फ्राइज़ हैं जो कि मैंने फ्राई करके साइड पे रखे थे और अब मैं इनको इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्राइज़ को स्प्रेड करने के बाद अब जो मैं इसमें चेंज लाने वाली हूँ वो है जी चीज़ स्लाइस ऐड करूँगी जिससे बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े के हो जाएंगे ये और सबको बहुत पसंद आएंगे। चीज़ को स्प्रेड करने के बाद इस पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑरिगेनो इस पर स्प्रेड कर रही हूँ और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। सॉल्ट मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही क्योंकि चीज़ में सॉल्ट पहले से मौजूद होता है। तो इसको मैं यहाँ पर कवर करके रख रही हूँ तकरीबन 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसके बाद ये देखिए बहुत ही डिलीशियस अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे मिले।
मिले हैं और आपको भी ये बहुत ही डिलीशियस लगेगी। आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को, आपके घर में बच्चों को बहुत ये पसंद आएंगे। फ्राइज़ का टेस्ट भी इसमें बहुत ज़बरदस्त आ रहा है चीज़ के साथ, और मैक्रोनी का फ्राइज़ के साथ और चीज़ के साथ बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।